रांची के डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय मोरहाबादी मैदान पहुंचे और वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों का हालचाल जाना, साथ ही दुकानदारों से बात की और दुकानें जल्द खुलवाने का आश्वासन भी दिया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि रांची नगर निगम इस संबंध में राज्य सरकार से बात करे। हम जिला प्रशासन से और नगर निगम से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ये गरीब लोग हैं, रेहड़ी पटरी चला करके अपने बच्चों का जीविकोपार्जन करते हैं। सवेरे जब लोग मॉर्निंग वॉक में रहते हैं, कोई नारियल बेचता है, कोई फल बेचता है, तो बेच करके ये लोग अपने परिवार का जीविकोपार्जन करते हैं। कोई शाम को भी कुछ लोग बेचते हैं, तो हमें लगता है कि 300 परिवार का घर चल रहा है, तो सरकार को लीगली जो रेहड़ी पटरी का एक्ट है वो जो वसूली का काम करते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये घटना के पीछे वसूली भी एक कारण हो सकता है। अब इस तरह की बात होने के बाद जिला प्रशासन एक तो इनको उस चीज से मुक्ति नहीं दिलाया जिससे वो पीड़ित थे पिछले कई वर्षों से, लेकिन दूसरी ओर इनको दुकान बंद कराने का फरमान जारी कर दिया। नगर आयुक्त महोदय भी मुझे मालूम चला है कि उस बैठक में थे। आज जिस बैठक में नगर आयुक्त महोदय ने ये निर्णय लिया। और अधिक खबरों के लिए देखते रहें झारखंड न्यूज़ 9।